कहा जाता है कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है, पर लगता है बॉलीवुड के मामले में ये रूल लागू नहीं होता। वेल, ये तो सभी मानते हैं कि सिनेमा और दर्शकों का टेस्ट काफी बदल चुका है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड गलतियां दोहराने से बाज नहीं आता। ट्यूबलाइट की नॉट सो सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने ये तो साबित कर ही दिया था कि कॉपी कंटेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंस रियल कंटेंट को दिया जाएगा, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में ये गलती दोहराने वाले लोगों की कमी नहीं है। दरअसल आने वाली फिल्म अ जेंटलमैन एस्टन कचर की फिल्म किलर से मिलती जुलती है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि सिद्धार्थ आनंद की पिछली फिल्म बैंग बैंग भी नाइट एंड डे की कॉपी थी, पर वो फिल्म इसलिए हिट रही क्योंकि उस फिल्म में ऋतिक रोशन मुख्य भूमिका में दिखाई दिए थे। वेल, अब ये देखना होगा कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलिन फर्नांडिस स्टारर ये कॉपीड कंटेंट वाली फिल्म लोगों को पसंद आती है या नहीं। वैसे दोस्तों, आपकी इस बारे में राय हमें बताएं और कॉमेंट करें।